पिछले 3 दिनों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है पूरा शहर। नगर निगम अमले को नहीं है कोई फिक्र। हम आपको बता दें कि नगर निगम ने प्लांट से टंकी तक बिछी हुई मुख्य लाइनें बदलने का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से शहर के 2 फिल्टर प्लांट कुठुलिया और रानी तालाब शुक्रवार से बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वहां से जुड़ी लगभग 15 टंकियां नहीं भर पाई और शहर भर में पानी की सप्लाई बंद है और नगर वासियों को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। लोग इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं, परंतु इसके बाद भी नगर निगम अमला खामोश नजर आ रहा है। नगर निगम की ओर से ना तो लोगों को पानी के लिए कोई टैंकर उपलब्ध करवाया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर नगर वासियों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला, पर नगर निगम अमला इससे वेसुधाराम में जुटा है। प्लांट से टंकी तक की लाइनें बदलवाने के निर्णय के बाद नगर निगम की ही जिम्मेदारी थी कि लोगों तक पानी भी पहुंचाने का काम करे, पर नगर निगम के कर्मचारी हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आए। हम आपको बता दें कि गर्मी की शुरुआत होते ही शहर में पानी की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं और ऐसे में पानी का ना आना लोगों को और भी परेशान कर रहा है। शहर के निचले इलाकों में गर्मी की शुरुआत से ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है, पर पाइपलाइन बदलने की वजह से सारे शहर को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। चार दिन नल नहीं आ रहा है। कितने दिन से नल नहीं आ रहा? 4 दिन से दुशिया से आए, टैंकर किराए में ले जाए इसको, गाड़ी को अभी पानी भर के ले जाए घर यूज करने के लिए। पानी नहीं आ रहा तो 2 दिन हो पीछे।